नौ दस साल पहले जब निर्देशक शंकर ने अपनी तमिल फिल्म एंथीरन रिलीज की थी तो उन्हें भी पता नहीं था कि ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। बॉलीवुड के अक्षय कुमार और साउथ के रजनीकांत दोनों ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए लोग हमेशा ही दीवाने रहते हैं। यहाँ अक्की कुछ भी करें, लोगों को उनके बारे में जानने की उत्सुकता रहती ही है। वहीं रजनीकांत भी इतने लोकप्रिय एक्टर हैं जिनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। ये दोनों एक साथ फिल्म रोबोट 2.0 में नजर आए थे। लोगों ने सोचा था कि रोबोट 2.0 रोबोट का ही सीक्वल होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। रोबोट 2.0 रोबोट फिल्म से बिल्कुल अलग थी। जो लोग रोबोट देख चुके हैं वो ये जानते होंगे कि इस फिल्म का पिछली फिल्म से कोई कनेक्शन ही नहीं था। रोबोट फिल्म में आपने रजनीकांत को डबल रोल में तो देखा होगा, इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस फिल्म की तरफ और भी बढ़ गया था। वहीं रोबोट 2.0 में रजनीकांत ट्रिपल रोल में नजर आए थे। ये तो एक्सपेक्टेड था कि रजनीकांत डबल रोल में नजर आएंगे, एक डॉक्टर वसीकरण और दूसरा रोबोट चिट्टी। लेकिन इस फिल्म में सरप्राइज ये था जब रजनीकांत का तीसरा रोल छोटा चिट्टी इस फिल्म में नजर आता है। रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार के रोल के बारे में क्या कहने, अक्षय कुमार इस फिल्म में एक विलन के किरदार में थे। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। फिल्म में अक्षय कुमार एक साइंटिस्ट के रोल में थे जो आजकल बढ़ती तकनीकों की वजह से पक्षियों को जो नुकसान हो रहा है उस वजह से बहुत परेशान थे। एक साइंटिस्ट होने के नाते अक्षय कुमार दुनिया को ये बताते बताते इस दुनिया से ही गुजर जाते हैं कि अगर तकनीकों का इस्तेमाल कम नहीं हुआ तो हमारे जीवन से पक्षियों का नामो निशान ही मिट जाएगा। ऐसे में अक्षय कुमार की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही उन लोगों से बदला लेने लगती है जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी। इस फिल्म में आपको रोबोट के रोल में एमी जैक्सन भी नजर आई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी साइंटिस्ट पक्षी राजन की जिंदगी की कहानी पर आधारित थी जो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। वहीं दोस्तों ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि 2.0 के बाद रोबोट 3.0 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। निर्देशक शंकर ने हाल ही में बातचीत में बताया कि वो 3.0 का प्लान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म में भी आपको रजनीकांत जरूर नजर आएंगे। निर्देशक शंकर का कहना है कि जब भी वो अपने दिमाग में चिट्टी का नाम लेते हैं तो बस रजनी सर का चेहरा ही उनके सामने आता है। उन्होंने कहा कि एक दर्शक होने के नाते वो चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा में सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन की तरह चिट्टी का नाम भी हो और ये सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के नाम से आगे बढ़े। सभी चिट्टी के किरदार को चाहते हैं और उनकी ये भी इच्छा है कि इस किरदार को बार बार पर्दे पर लाया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा और एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। शंकर ने कहा कि वो सिर्फ बनाने के लिए 3.0 नहीं बनाएंगे, इस समय वो एक बेहतरीन कहानी और बेहतरीन स्क्रिप्ट की तलाश में हैं और इसकी कहानी पर अभी काम चल रहा है। यहाँ तक कि शंकर ने कहा है कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो चिट्टी के साथ कृष या रावण के जीवन से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं और वो उनको भी फिल्म में लाने की कोशिश कर सकते हैं। फिल्म 2.0 के लिए रजनीकांत ने खराब तबीयत में भी काफी बेहतरीन काम किया था। हाल ही में अक्षय ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत को सेट पर घुटने पर चोट लग गई थी जिससे खून भी बहने लगा था। निर्देशक शंकर ने उन्हें काम नहीं करने के लिए भी कहा, लेकिन रजनीकांत ने किसी की बात नहीं सुनी और अपना पूरा शॉट खत्म करके ही वहां से गए। अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2.0 भारत की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म थी जिसको बनने में करीब 510 करोड़ रुपए लगे थे। अक्षय अपनी फिल्मों में नेगेटिव किरदार करना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि भले ही उनका किरदार नेगेटिव हो लेकिन उन्हें ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। फिल्म में अक्षय कुमार बड़े ही डरावने लुक में नजर आए थे। ऐसे में वो कभी खौफनाक पक्षी बन जाते थे तो कभी सेल फोन से बना हुआ आदमी बन जाते थे। वहीं अब देखना ये है कि निर्देशक शंकर फिल्म 3.0 में क्या नया लेकर आते हैं और किस तरह से रजनीकांत को रोबोट के रूप में पेश करते हैं। और दोस्तों, क्या निर्देशक शंकर का ये आइडिया चलेगा कि रोबोट 3.0 में आपको कृष के रोल में ऋतिक रोशन और जीवन के रोल में शाहरुख खान नजर आए। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप रजनीकांत के साथ रोबोट 3.0 फिल्म में ऋतिक रोशन और शाहरुख खान को देखना पसंद करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।